नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा गत 10 जनवरी को जमानत याचिका खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। राजद सुप्रीमो फिलवक्त रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। रूस के सोयुज MS-12 अंतरिक्षयान ने तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गुरुवार रात अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी और निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने बताया कि सोयुज FJ रॉकेट ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से स्थानीय समयानुसार रात 10:14 पर उड़ान भरी। इसके 9 मिनट बाद अंतरिक्षयान प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण से अलग हो गया और उसने रूसी मिशन नियंत्रण केंद्र के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ISS के लिए अपनी उड़ान जारी रखी। सोयुज MS-12 में रोसकोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवशिनिन, नासा के अंतरिक्ष यात्री निक ह्वेग और क्रिस्टीना कोच सवार हैं। यह यान शुक्रवार को मॉस्को के समयानुसार तड़के 4:01 पर ISS पहुंच गया। ये अंतरिक्ष यात्री 6.5 महीने ISS में ही रहने वाले हैं। नाइजीरिया, चाड, कैमरून, बेनिन और नाइजर के सुरक्षा बलों के दो दिन के संयुक्त अभियान में बोको हराम के 55 आतंकवादी मारे गए। नाइजीरियाई सेना के अधिकारी एवं बहुराष्ट्रीय बलों के लिए मुख्य प्रवक्ता टिमोथी एंटिगा ने गुरुवार को बताया कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त कार्यबल ने लेक चाड बेसिन में दो दिन तक अभियान चलाया जिसमें 55 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान लेक चाड बेसिन में उच्च क्षमता के गोला बारूद भी बरामद किए। एंटिगा ने बताया कि यह अभियान लेक चाड में आतंकवादियों के प्रमुख ठिकाने तुम्बुन रेगो में चलाया गया। तुम्बुन रेगो लेक चाड में एक प्रमुख द्वीप है जो बोको हराम के वरिष्ठ कमांडरों का अड्डा माना जाता है। तुम्बुन रेगो में 33 बोको हराम आतंकवादियों के शव बरामद किए गए, जबकि नाइजीरियाई सीमा से सटे बोको हराम के एक अन्य अड्डे अरेगे में एक अलग अभियान में 22 आतंकवादी मारे गए। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में हुई गोलीबारी में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बंदूकधारी की पहचान ऑस्ट्रेलियाई चरमपंथी के रूप में हुई है जिसने हमले की स्पष्ट रूप से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की। इस हमले के बाद क्राइस्टचर्च में किसी के आने और शहर से किसी के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। यह किसी पश्चिमी देश में मुस्लिमों के खिलाफ सबसे भीषण हमला प्रतीत होता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ितों पर बहुत नजदीक से गोलियां चलाई गईं। मृतकों में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इसे न्यूजीलैंड के सबसे काले दिनों में से एक करार दिया और कहा कि यह स्पष्ट है कि इसे अब केवल आतंकवादी हमला ही करार दिया जा सकता है। हम जितना जानते हैं ऐसा लगता है कि यह पूर्व नियोजित था। ऑस्ट्रेलियाई के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि गोलीबारी करने वाला एक बंदूकधारी एक दक्षिणपंथी चरमपंथी है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है। अर्डन ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी में कितने हमलावर शामिल थे, लेकिन तीन पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। भारत के बीसाई प्रणीत ने हमवतन और 8वीं वरीयता प्राप्त समीर वर्मा को 21-14, 22-20 से हराकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि क्वालिफायर रिया मुखर्जी को अंतिम 8 में हार का सामना करना पड़ा। प्रणीत ने समीर को 47 मिनट में पराजित कर अंतिम 8 में जगह बनाई, जहां अब उनका मुकाबला फ्रांस के लुकास कोरवी से होगा। इस बीच परुपल्ली कश्यप को हॉलैंड के मार्क काल्जो से 41 मिनट में 15-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज के साथ। धन्यवाद।
हूँ।